बिना मास्क वालों को समझाई से तू वाहन चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की बोलेरो वाहन को रोकने पर वाहन चालक गाड़ी छोड़कर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे महासमुंद जिले की सिंगोड़ा पुलिस की टीम ने पकड़कर वाहन को चेक कर उसमें रखे 70 किलो गांजे को जब्त किया है। बलरामपुर जिले में एक ससुर ने दामाद के गाली गलौज से परेशान होकर उसे मौत के घाट उतार दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी बेटी के साथ मिलकर लाश को नदी के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने बाप बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। जगदलपुर में गणपति रिसोर्ट गोरिया बाहर नाला पुल के पास आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में एक युवक को चाकू मारने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के डीडी नगर क्षेत्र के रिटायर्ड प्रिंसिपल से 39 लाख से अधिक की ठगी करने वाले तीन अंतर्राज्यीय ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीमा पॉलिसी कैंसिल होने के नाम पर ये अंतर्राज्यीय ठग देश भर में करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। कवर्धा जिले में अनियंत्रित होकर एक एम्बुलेंस वाहन खाई में पलट गया। वाहन इतना खतरनाक पलटा कि हादसे के बाद वाहन चालक कई घंटे तक एम्बुलेंस में ही फंसा रहा। बलरामपुर जिले के धनवार बॉर्डर पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लाखों रुपए के गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के ट्रक से 16 क्विंटल गांजा जब्त किया है। पत्ता गोभी की आड़ में गांजे का जखीरा ले जाया जा रहा था। रायगढ़ जिले के बरमकेला पुलिस की चौक चौबंद व्यवस्था के बीच गांजे की अवैध तस्करी में लगे दो किशोरों को बरमकेला पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है, जिनसे 10 किलो गांजा और परिवहन में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किया गया है। कोरबा जिले की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तत्काल रात्रि गश्त के दौरान मौके पर पहुंचकर 35 लीटर वाली 5 जरीकिन से भरा हुआ कुल 175 लीटर डीजल 16,275 रुपए जब्त किया है। पावर हाउस रेलवे स्टेशन के समीप होटल लैंडमार्क में समूह बनाकर हजारों रुपए का जुआ खेल रहे 12 जुआरियों को छावनी पुलिस द्वारा धर दबोचा गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से करीब 28,200 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। जगदलपुर की नगरनार पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गांजे की तस्करी करते दो मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से पुलिस ने 300 किलोग्राम गांजा सहित एक चारपहिया वाहन एक आयसर ट्रक जब्त किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए बताई गई है। बलरामपुर जिले में राजपुर थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की राजपुर शाखा में चोरी का प्रयास किया गया। लॉकर तक नहीं पहुंच पाने के कारण रकम सुरक्षित है। कांकेर जेल में बुजुर्ग की हत्या करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने बुजुर्ग के घर में घुसकर ही ईंट और हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया गया कि एक यात्री बस ने दोनों बाइक सवारों को टक्कर मारी थी। बेमेतरा जिले के ग्राम पोंडीतरई में उज्ज्वला योजना के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। महिलाओं ने जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी से इसकी शिकायत कर पैसा वापस दिलाने की मांग की है। सुबह उठकर अपने खेत की ओर जा रहे ग्रामीण को राष्ट्रीय राजमार्ग में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे ग्रामीण की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के पदाधिकारी व सदस्य धमतरी जिले के CMHO डॉक्टर लीके तुर्रे से मिलकर ज्ञापन सौंप कर उप स्वास्थ्य केंद्र बरना में पदस्थ ANM पर प्रसव कराने के नाम पर रुपए लेने की शिकायत की गई है।
जसपुर शहर के नजदीक स्थित ग्राम गमहरिया का बहुचर्चित रीना देवी हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी से मृतका के स्वजन और मोहल्ले वासियों द्वारा लगाए जा रहे आरोप की पुष्टि हुई है। अल्टो कार में अवैध रूप से मध्य प्रदेश निर्मित गोवा विस्की अंग्रेजी शराब 10 पेटी का परिवहन करते हुए तीन आरोपियों को बलौदा बाजार जिले की पल्लारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस की टीम पर वाहन चढ़ाकर भागने का प्रयास भी किया। नाबालिग युवती को शादी का प्रलोभन देकर उसके घर से भगा ले जाकर उसके साथ जंगल में कई बार शारीरिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गरियाबंद जिले की छुरा पुलिस ने मुड़ा गांव नर्सरी से गिरफ्तार किया है। क्रेडिट कार्ड की रिकवरी के नाम पर लोगों के खाते से रुपए कटे जा रहे हैं। कई खाता धारक तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, इसके बाद भी उनके खाते से लगातार रुपए कटे जा रहे हैं। इसे लेकर शुक्रवार को कई खाता धारक सेक्टर 1 SBI पहुंचे और जमकर हंगामा किया।